भाई पीपल डोंट गिव अ डैम इन मुंबई, और यही अगर दिल्ली होता तो भाई चढ़ जाते सेलिब्रिटी को देख के। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो सब? लास्ट फ्यू आवर्स इन मुंबई, सोया नहीं यार मैं रात में। इट्स 6:15, ब्लॉग को अपलोड पर डाल दिया मैंने कि वो जरूरी है। अभी मैं नीचे जाऊंगा लॉबी में, कल मैंने लॉबी में फास्ट वाईफाई यूज करा तो फटाफट अपलोड हो गया था। बाकी अपना सारा पैकिंग पुकिंग अपन ने सब कर ली थी, 5 मिनट में पैक वैक हो गया। भाई यार मन नहीं है यार, बताओ मेरा जेन्युइनली बताओ, मैं ना 18th तक का आने वाला था, बट पापा का बर्थडे है कल, आप लोगों के लिए आज ही, तो जाना पड़ेगा भाई चाहे कुछ भी हो। पापा का बर्थडे तो मिस नहीं कर सकते ना, मेरे पीठ पीछे पापा को नया फोन भी मिल गया है, प्रो मैक्स मिल गया पापा को, फोटो वोटो आई भाई, प्रो मैक्स मिल गया पापा को एंड ऑल भाई, मतलब घर की याद भी आ रही है, बट तरह का अटैचमेंट हो गया ना यहाँ पे लोगों से तो चलो था, लेकिन और हो गया, और थोड़ा ये मतलब अच्छा सा लगा यार यहाँ रह के, मतलब लोगों से मिल मिल के। अभी कुछ लोग जो बिजी थे उनका मैसेज आया, दैट यू आर लीविंग सो अर्ली, या तो ऐसे टाइम पे आया, दैट वी कांट इवन मीट यू एंड ऑल, वीकेंड पे मिलता अगर तू वीकेंड रहता तो, अब उनसे मिलना भी है मेरे को, इट्स द सिचुएशन, आई हैव टू गो, कुछ कर भी नहीं सकते। अच्छी मेमोरीज लेके जा रहे, दैट्स ऑल यार, वी आर जस्ट टेकिंग अ बैग फुल ऑफ मेमोरीज, एंड मैं थोड़ा इमो तो हुआ था माना उसको सी ऑफ करते हुए, बस ये एक गिल्ट रह गया यार, निष्ठा को मैं सी ऑफ नहीं कर पाया अच्छे से, लाइक दिन में वी मेट अच्छे से, वी स्पेंड, वी हैड सम गुड क्वालिटी टाइम, बट यार उसको अच्छे से, क्योंकि सबसे ज्यादा ख्याल उसने और मानव नहीं रखा, मानव को तो अच्छे सी ऑफ कर दिया और निष्ठा नहीं हो पाया तो क्या ही कर सकते हैं, बट हाँ बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यार मुंबई को। हाँ लेकिन नाइट लाइफ तुम्हारी हमारी दिल्ली से बेहतर नहीं है, मैं बता दूं, ठीक है क्लबिंग वाइज ये सब पार्टी वार्टी में होगी, लेकिन वैसे घूमने फिरने में या इन ऑल द वेज क्या कुछ खाने पीने के लिए इतना अच्छा नहीं है तुम्हारा, अभी मैं बोलूंगा, लेकिन मजेदार है। भाई यहाँ के बादलों की स्पीड देखो यार, मतलब ऐसा लग रहा है हिल स्टेशन के बादल जा रहे हो, देखो बाबा कितने काले बादल है, और लग भी रहा है हिल स्टेशन में सामने पहाड़ जो है, बादल देखो रे कितने सारे बादल है, कितने काले बादल है। इस समय एयरपोर्ट दिखा रहा है 40 मिनट्स, 8 बजे अराउंड निकलूंगा, देखते कितना आएगा। इनड्राइव से आजकल मेरे को नहीं है, मानव ने इंट्रोड्यूस करा इनड्राइव, उसमें ना आप अपना फेयर वेयर चढ़ा दो, प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ बता रहा हूँ, अगर तुम्हें मतलब सस्ते में और अच्छा ट्रैवल करना है कैब कूब में, जस्ट गो फॉर इनड्राइव, द बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल, अपना फेयर लगाओ मस्त, उबर ओला इन सबसे सस्ता है। अरे ओला से याद आया, आई कांट वेट टू ड्राइव माय साइरस, अभी तो यही नहीं पता घर वाले एयरपोर्ट पे लेने आएंगे कि नहीं, वो तो जब वो उठेंगे तभी पता चलेगा। चलो अच्छा मैं नीचे तो जाऊं यार, एटलीस्ट जो है तो सो है, निकलना तो है, कुछ भी हो जाए मन है रुकने का, एक्सटेंड भी कराने की ट्राई करा, लेकिन एक्सटेंड कराना थोड़ा महंगा पड़ रहा था, तो वी वर लाइक छोड़ो, और जिन्होंने डिच किया उनको भगवान बहुत तरक्की दे मैं तो यही बोलूंगा पॉजिटिव चीज भाई, जाने से पहले क्यों किसी से कुछ ग्रज रखे, किसी से कोई ग्रज नहीं है भाई, ठीक है लोग बिजी रहते हैं, लोगों का मन नहीं करता कभी मिलने का एंड ऑल, इट्स ऑल अंडरस्टैंडेबल, कोई दिक्कत नहीं है, डिच करा बुरा लगा बट कोई बात नहीं, फिर कभी मिल लेंगे अगर मतलब डेस्टिनी रही तो, एंड मुंबई अंटिल नेक्स्ट टाइम, मुंबई के लोग बहुत जल्द वापसी मिलेंगे, इस बार अच्छे से अच्छे टाइम पे आऊंगा, कोई डगमगाते हुए टाइम पे नहीं आऊंगा, प्रॉमिस है ये मेरा, इस साल में शायद आऊं ना आऊं, इस साल का कुछ नहीं कह सकते, साल अभी बहुत लंबा है, इस साल में आऊं ना आऊं, नेक्स्ट ईयर तो पक्का ही है भाई, नेक्स्ट ईयर तो फुल ऑन राड़े, लेकिन यहाँ से मैं सीख के भी बहुत स्लैंग्स गया रे, मगजमारी राड़े और हर चीज में रे रे भी बोलना आ गया मेरे को, मतलब बोलता था मैं बट थोड़ा और आ गया, स्कीम तुम्हारा फिर कुछ तो, और मतलब टॉप लेवल के भी सीखे, वो तो बोल नहीं सकता कि वो फैमिली फ्रेंडली नहीं रहेगा, फिर और भी क्या सीखा मैं, फटे, हाँ फटे मींस मतलब पूरा भर के, और गुलू गुलू बहुत सीखा रे, बहुत सीखा मैं तो। चलो जी द फाइनल राउंड ऑफ चेक हैज बीन डन, देख लो पीछे जाम लगा हुआ है, बट वी हैव कॉल्ड आवर कैब, इट्स 7:50, वी आर लीविंग राइट नाउ, क्योंकि अभी भी 1.5 घंटा लगेगा, एयरपोर्ट पे जाके एक कॉफी मारेंगे स्टारबक्स से लेके, कैब एक्सपेंसिव पड़ा थोड़ा, इट्स लाइक मतलब टोल वोल अगर लगेगा तो 500 तक जाएगा, वैसे तो 455 का पड़ा है, लेकिन अगर टोल वोल लगा तो 500 तक जाएगा ही जाएगा आराम से। इट्स टाइम टू से गुड बाय टू द सिटी, आई हेट गुड बाइज, I'm very bad at good. Bye bye beautiful hotel and bye bye beautiful room. बहुत प्यारा रूम था, बहुत ही कम्फर्ट भरा स्टे था मेरा, बहुत अच्छा स्टाफ, बहुत अच्छा होटल, एवरीथिंग वॉज टॉप नॉच, मतलब मजाक से उठा, एवरीथिंग वॉज टॉप नॉच, 5-star टाइप फील था इस होटल में, प्रॉपर। चलो भाई गाड़ी में सो गए थे, नींद आ रही, आंखें लाल हो गई हल्की से यार, थोड़ी देर सो क्या गए, बड़ा गए एयरपोर्ट,
पैप चेकिन तो कर दिया था, तो विंडो सीट है तो शॉर्ट ना कोई लोड वोड थे, वो पैप वाले गेट पे पैप खड़े हुए हैं सेलिब्रिटी को कैप्चर वैप्चर करने के लिए, उनको पता नहीं असली सेलिब्रिटी गेट नंबर 5 से घुस रहा है, टेक्निकली 4 से घुस रहा था बट 4 पे बहुत ज्यादा भीड़ है तो 5 से घुस रहा है, कोई दिक्कत नहीं, सेलिब्रिटी छोड़ के जा रहा है मुंबई, अब आएगा अगले साल या पता नहीं जब मन करेगा, मन क्या भैया जब घर वाले भेजेंगे तब, वो इतने बड़े एयरपोर्ट के अंदर कबूतर घूम रहे हैं, गाओ यार इंटरनेशनल टर्मिनल में वो भी फैज, अब जाने का टाइम आ गया, एलेक्सा प्ले सैड सॉन्ग, ओ बेदर्द यार यार बेदर्द यार जा रहा हूँ, हम चले में तो आप पर आए थे, अब जल्दी कराओ यार चेक इन, मेरे को वॉशरूम जाने का, 8 बजे निकला 9:10 पे एयरपोर्ट के अंदर हूँ, हो गया रहा डिलीवर का कुछ नहीं, कितनी देर रहना पड़ेगा, 2 से 3 घंटा बस सो जाऊंगा मैं तो, वही जगह देख के लाउंज वाउंज पे लाउंज का तो कार्ड ना वही दिक्कत कर दी रहे बंज गई, तो एक तो नहाया नहीं ऊपर से पूरी रात सोया नहीं, तीसरे आने से पहले मुंह धोया नहीं, एंड आई लुक सो बैड राइट नाउ, पूरा मतलब खत्म रे, काला लग रहा हूँ मैं तो, साबुन सुबुन लगा लेना चाहिए था मेरे को, बताओ ये मतलब, और आंखें ऊपर से लाल नींद में, ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा हूँ मैं, लेकिन करके कुछ नहीं, आप कहाँ है बाथरूम उठे गेला वहां से यहाँ भेज दिया, सिक्योरिटी चेक भी हो गया, अब बढ़ते हैं यहाँ के कहाँ, कॉफी पी कॉफी और कुछ खाने, भूख लग रही है पूरा, क्या बोलते हैं भूख लग रही है कुछ पूरा तो कुछ नहीं होता, भूख ही लगती है, 4 बजे पे कॉफी का ऑर्डर दे दे जब तक बनेगी बनेगी, आमी के लिए ले लिया, फिर वो कहती मेरे लिए कुछ लाए, तो चॉकलेट उठा लिया 3.95 ये है जो है, 4 बजे यार मलाइका रोड़ा बैठी है, तो क्या हुआ मेरे को क्या, अर्जुन को मतलब होना चाहिए ना, मेरे को क्या मतलब है, अगली पीछे जो व्हाइट में बैठी वही मलाइका रोड़ा है, भाई पीपल डोंट गिव अ डैम इन मुंबई, और यही अगर दिल्ली होता तो भाई चढ़ जाते सेलिब्रिटी को देख के एयरपोर्ट पे, यहाँ तो कुछ नहीं, यहाँ फर्क ही नहीं पड़ रहा किसी को, ना कोई जाके बात कर रहा ना कोई सब अपने, बस मैं भी क्या करूँ, मेरे को क्या करना है, अर्जुन को करना है जो करना है ना, तू क्या ले भाई, कॉफी मिल गई ना तो थोड़ा मूड सही हो गया, कॉफी का ऑर्डर देने के बाद भी सही हो गया, रेसिपी सही हो गया, अरे कुछ खाने के लिए भी तो लेना है, मैकडी मैकडी सामने, अरे मैंने कंफर्मेशन के लिए वायरल भया नहीं देखा, मेरे को लगा मलाइका रोड है, मलाइका रोड तो ब्लू में आई थी, मेरे एयरपोर्ट घुसने से 15 मिनट पहले आई थी वो एयरपोर्ट पर, बट स्टिल भाई कोई तो ऐसे मतलब यहाँ वैसे मुंबई में बहुत वनरेबल लोग हैं, मतलब ऐसे अपने आपको कैरी करके आ रहे एयरपोर्ट पे, मतलब कहीं बहुत वो मतलब चलो ठीक है समझ में आता बड़े लोग हैं नॉल, बट एयरपोर्ट के लिए कौन रेडी होकर आता है भाई, मेरे को देखो मैं तो निकल में आने वाला था, बट मैंने कहा चलो कोई जॉगर पहन लेते हैं, मैं तो ऐसे ही आ गया, लड़कियाँ एकदम मतलब प्रॉपर अपने आप को पूरा मेकअप ब्रांडेड है, तो मैं भी अगली बार से अगली फ्लाइट में मैं भी फुल ब्रांडेड फुल शो ऑफ, तब भी किसी ने देखना है नहीं मेरी तरफ, जो गेट है एकदम एयरपोर्ट के एक कोने में ठीक है, और यहाँ पे क्या बोलते हैं अभी एयर इंडिया की फ्लाइट है 10:50 की, इसके बाद खाली होगा अभी तो जमा पड़ा हुआ, तो मैं किसी और बोर्डिंग गेट पे जाके बैठ रहा हूँ आराम से, जहाँ जगह मिल जाए वहाँ जाकर बैठ के यूट्यूब स्क्रॉल करूंगा, फिर अपने बोर्डिंग गेट पे जाके सो जाऊंगा। वैसे मैंने एक चीज रियलाइज करी, मैंने मुंबई आके रील्स वील्स कुछ शूट नहीं करा रहे, मैंने सिर्फ अपना वो रखा क्या बोलते हैं ब्लॉग व्लॉग का ही रखा मैंने मेन, मैंने रील शूट ही नहीं करी यहाँ पे आके, दादा रैंट वैंट कुछ भी नहीं करा, आई एम आउट ऑफ कंटेंट, आई एम नॉट आउट ऑफ कंटेंट, मुंबई को ज्यादा एंजॉय करने में लगा हुआ था कि मेरे को समझा ही नहीं, और कोलैब वोलैब के उस माइंड सेट से गया था, तो फिर वैसे ही थोड़ा माइंड डिस्टर्ब हो गया कि अबे यार ये सीन नहीं हुआ, उस चक्कर में वैसे ही मन नहीं करा, लफड़ा हो गया लफड़ा, मैं सो रहा था चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी, लड़ाई हो गई भाई सामने, मुंबई आके लफड़ा भी देख लिया, लेट्स गो। मेरा बिजनेस क्लास है भाई, कोई मेरे बगल में बैठा ही नहीं, पूरी सीट मेरे को, की लैंडिंग थी वो बोल के इतना डिले हुआ, फिर ऊपर से भी जब लैंडिंग हुई ना बहुत टर्बुलेंस, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे लगे हुए थे, करा ही नहीं पा रहे थे लैंडिंग, वेदर इतना खराब है, बारिश हो रही है भाई, फटती है भाई लैंडिंग का टाइम, कुछ भी को कितना ही प्लेन में ट्रैवल करना पसंद हो लेकिन लैंडिंग टाइम जो हालत खराब होती है ना खत्म सीन है वो तो। एंड भाई फाइनली वी आर इन दिल्ली, चलो जी अब चलते हैं बाहर, मम्मा से बात हुई, मम्मा कह रही थी मामा के यहाँ जाओ, बट मैंने घर ही निकलता हूँ यार, मैं घर जाके सोऊंगा, फ्लाइट में टूटी फूटी नींद आई भाई, पूरे वैसे तो अपना बिजनेस क्लास ही हो गया था, पूरे मैंने पैर फैला के 3 सीट हड़प ली थी मैंने, तो मेरे को कुछ करना ही नहीं पड़ा, 3 सीट मिल गई मेरे को पूरी लास्ट की, विंडो भी मिल, विंडो तो चलो मेरी बुक भी थी और वैसे ही और मिल गई, अब सामान उठा दे, एक तो वो अपना क्या बोलते डिलीवरी हो रहा, बैगेज गेट भी बहुत दूर है, सामान उठाते हैं और कैब बुक करते रहो भगते हैं, एक तो भाई डिपार्चर के लिए कैब नहीं आती, आते तो कहते हम 200 रुपये एक्स्ट्रा लेंगे ठीक है, और इसमें आपको इस 200 रुपये का आपको देना पड़ेगा, हम वो क्या बोल सॉरी आप अराइवल पे नहीं आ रही क्या, डिपार्चर पे बैठे कह रहे हैं हम अराइवल पे आएंगे तो आपको 200 रुपये एक्स्ट्रा लगेगा भाड़े का, उन्हें नहीं देना पड़ेगा, वो हम पर्ची वर्ची कटा के आएंगे, नॉल एंड ऑल मैंने यही रह गया बस है ना, हवा में पैसे उड़ रहे बहुत ज़्यादा ही,
अब थोड़ा लह में आ जाते, दिल्ली घुस गए हैं, मेट्रो से जाएंगे, ठीक है, जहाँ तक मेट्रो लेके जाए वहाँ से फिर देख लेंगे अपन। इतना कुछ नहीं चाहिए अपने को, बहुत इंजॉय कर लिया, बहुत लग्जरी मार ली, मेट्रो में जाएंगे हम मस्त, एयरपोर्ट लाइन शिवाजी स्टेडियम पे उतर गए हैं। अब यहाँ पे कैब मंगाई है, कैब वाला आ ही रहा है, बस कैब लेके फिर घर ही निकलेंगे। बाबा फटीक हो रहे, रे टकलू हो गया, टकलू है गोलू। देखो मैंने जीसू का बनाया, कोई चाहिए दिखाओ? नहीं। अरे गिरा गिरा गिरा, मिल तो ले, अरे मिल तो ले, नहीं मिलना तो मिलो, ये भी गंजा हो गया। तो अच्छा वो वेट के पास ही गए थे ओलू के? नहीं। भाई हम तो चले शिवम को उसकी प्राइम देने, स्पेशली उसने मंगवाई थी दो फ्लेवर्स, अपने तो नसीब में थी भी तो अपन को लेनी नहीं थी। 1500 रुपए भैया ना, मैं एक बार को 1500 रुपए एक ड्रिंक पे बर्बाद करने के लिए सोचूंगा। फ्री में जब नकुल लाया था उस टाइम पे प्राइम तो ट्राई कर ली थी हमने, फिर सेम फ्लेवर निष्ठा के यहाँ पे ट्राई कर लिया। 1500 रुपए इतना फालतू पैसा नहीं है, मेरे को वर्थ लगेगा, वर्थ है नहीं भी, इंडिया में जब लॉन्च होगी जिस प्राइस पर होगी तब की तब देखेंगे। अभी जो लोग ब्लैक में ला के बेच रहे हैं, इम्पोर्ट करा के इसको महंगे में बेच रहे हैं, बेचे भाई 1500, 1200, 2000, बहुत रेटों में चल रही है ये, पर ठीक है जिसको जिसने में बेचनी बेचो यार, मेरे को क्या, मेरा कौन सा घाटा, मुनाफा हो रहा है। हाय गाइस, सो दिस इज द नेक्स्ट डे। कल आए लास्ट शॉट के बाद हम सो गए थे, एंड उसके बाद जो नींद आई है अभी 11 बज रहे, अब जाके उठा मैं अगले दिन 11 बजे, 6:30-7 हो रहे थे मैं सो गया और अब 11 बजे उठ रहा हूँ, कितना सो गया पता ही नहीं। वेल आज के ब्लॉग यहीं पर करते हैं, फाइनली वी आर होम, अभी पापा का बर्थडे तो नेक्स्ट ब्लॉग में करेंगे। चलो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज़ ब्लॉग, अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करके जाना अगर मन करे तो। दिस वी बाय क्यू वन साइनिंग ऑफ, इन कल का ब्लॉग से बाय, कल से मिलते हैं, बहुत ही बड़े ब्लॉग के साथ, गुड नाइट एंड हैव अ ग्रेट वन, लेट्स गो।